चलिए बनाते हैं कुकर में बहुत ही आसान तरीके से भाजी। इसके लिए सबसे पहले हम तेल और बटर को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे जीरा, प्याज डाल देंगे, इसके बाद डालेंगे इसमें फूलगोभी, आलू डाल देंगे, इसके बाद हम डाल देंगे इसमें बीटरूट, मटर डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे। अब इन सब्जियों को बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। पहले सब्जियों को हमने 3 से 4 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें डाल देंगे मसाले। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। पेस्ट को डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच डालेंगे इसमें पाव भाजी मसाला, नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे। मसाले को मिक्स करते हुए हम सब्जियों के साथ 2 मिनट तक और भून लेंगे इसे। इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे इसे। इसे हमने बिल्कुल अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें डाल देंगे 1 छोटे ग्लास से पानी। पानी को डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब कुकर का ढक्कन लगाएंगे, इसे 5 से 6 सीटी आने तक हम पका लेंगे। पहले इसे हमने बिल्कुल अच्छी तरह से पका लिया है 5 से 6 सीटी आने तक। इसके बाद इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। भाजी को हमें बिल्कुल अच्छी तरह से मैश करना है। इसे मैश करने के बाद अब इसमें डाल देंगे थोड़ा और पानी। पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। इसके बाद डालेंगे इसमें हरा धनिया, थोड़ा बटर और डाल देंगे इसमें। इसे मिक्स करते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए और हम पका लेंगे। भाजी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें।